असलम एंड वेरी वेरी वॉम वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सोल्यूशन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन फॉर सम हाउ काफ़ी अरसे से पिगमेंटेशन के जो केसेस हैं या जो पिगमेंटेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका नंबर कम नहीं उनका नंबर ज़्यादा होता जा रहा है uh, इसलिए मैं आप लोगों से एक बहुत ही uh, ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शेयर करना चाह रही थी पिगमेंटेशन uh, जिसको आप लोग छाइयाँ बोलते हैं या आप लोग फ्रैकल्स बोलते हैं विच इज़ ए रॉन्ग वर्ड एक्चुअली फ्रेकल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं गोल गोल छोटे छोटे तिल की तरह होते हैं बट उनका लेवल जो स्किन की लेयर्स में होता है वो तिल से ऊपर होता है तिल से थोड़ा सा सुपरफिशियल होता है उनको फ्रैकर्स बोला जाता है और फ्रैकर्स की खास साइज होती हैं जैसे ब्रिज ऑफ दी नोज हो गया आपके अपर चीक्स हो गए ये वाला एरिया जो है ये ज़्यादातर फ्रैकल्स कवर करते हैं आप लोग जिसको फ्रैकल कह रहे होते हैं दैट इज बेसिकली मलाज्मा या फिर पिगमेंटेशन मलाज्मा जो है वो पैच की फॉर्म में आपको अन ईवन कलर अन ईवन तो नहीं कह सकते पैच की फॉर्म में आपको डार्कर टोन जो है वो नज़र आ रहा होगा उसको आप छाइयाँ ही बोलते हैं बट वो फ्रैकल्स जो हैं वो डेफिनेटली नहीं होते एक तो मैं ये करेक्शन करना चाह रही थी और आपको बताना चाह रही थी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रंग को गोरा करने के चक्कर में सब स्टैंडर्ड क्रीम्स अवेलेबल हैं उनका लगाना है अब हर दूसरा पेशेंट जो कि पिगमेंटेशन के साथ या मलाज़मा के साथ आता है उसने किसी ना किसी वक्त इनको यूज़ किया होता है हम तो मना करते रहते हैं लेकिन क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल हैं और बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होती है तो आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में कि वो तो लगा रही थी उसे अभी कुछ नहीं हुआ आपको तो नहीं पता कि उसकी स्किन के टेक्सचर में क्या डिफरेंस आता जा रहा है वो लगा रही थी वो लगा रहा था मेरी फ्रेंड लगा रही थी या फिर आप लोग जो है वो सैलॉन्स पे या पार्लर्स पे जाते हैं तो वो आपको थ्री टू थ्री टू फोर क्रीम्स का मिक्सचर बना के खुद दे रहे होते हैं और आप लोग उसको लगा रहे होते हैं ये इतना डेंजरस है बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी स्किन का नशा है आपने अपनी स्किन को नशे का आदि बना दिया है किस चीज़ का नशा ये वाली क्रीम्स जिनमें हाइड्रोकिनोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में डला हुआ होता है मरकरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डली हुई होती है उसके अलावा जो है वो इसके अंदर स्टेरॉइड्स भी डले हुए होते हैं जो कि माइल्ड नहीं होते माइल्ड को भी इस तरह से अलाउड नहीं है कि आपका जहाँ दिल करता है आप उसको लगाएं और फिर लगाते रहें उसके साथ साथ जो है वो इसमें कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाले हुए होते हैं जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू नाइट्स जैसे आप लगाना शुरू करें तो पेशेंट कहता है तीन से चार दिन में मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी डॉक्टर साहब अब बात ये है कि वो बेसिकली ठीक तो नहीं हो रही होती या कर रहा होता ये वाली क्रीम्स आपको ठीक नहीं कर रही होती हाइड कर रही होती हैं वो उस वक़्त तो हिडन होता है बट उसके बाद आपके साथ वो क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है दैट इज़ सो बैड लेकिन ज़्यादातर लोग 80 टू 90 परसेंट लोग जब आते हैं तो वो ये सब कर चुके हुए होते हैं इसके अलावा इन क्रीम से स्किन जो है वो पर्मानेटली पतली हो जाती है परमानेंटली इसमें आपके जो स्मॉल वेसल्स हैं स्किन के वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज पतली हो जाएगी तो फिर यही होगा और पर्मानेंट डायलिटेशन हो जाती है फिर इसके अलावा इससे बहुत बुरी एखनी होती है बहुत बुरा डर्माटाइटस जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो होता है बहुत बुरा जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी शो करेगी आपकी स्किन सब आराम से बैठे हुए हैं धूप में या फिर जो है वो हीटर के सामने उनको कुछ नहीं होगा बट ऐसा बंदा जो कि ये लगाता है कभी नीला हो जाएगा कभी पीला हो जाएगा और कभी लाल हो जाएगा और उसके लिए किचन में जाना या उसके लिए नॉर्मल रूटीन की काम करना जैसे थोड़े से गर्म पानी से मूध धोना या नहाना ये सब कुछ मुश्किल होता जाता है प्लस इससे बहुत बुरे जो हैं वो हेयर ग्रोथ होती है आपके फेस के बाल जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं आप खुद सोचें कि सिर्फ एक रंग गोरा करने के चक्कर में जो कि आपका नहीं है आपके हाथों का नहीं है आपकी बॉडी का नहीं है आपके पाओं का नहीं है आपकी बैक ऑफ दी नेक का नहीं है आपके डिकॉल्टे का नहीं है किसी जगह का नहीं है सिर्फ एक फेस का कलर जो है या नेक को फ्रंट ऑफ दी नेक का कलर बेहतर करने के चक्कर में आपने एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ले ली आपने परमानेंट uh, या इ रिवर्सिबल स्किन को पतला कर लिया या थिन कर लिया उसके अलावा आपकी जो है टेम्परेचर सेंसिटिविटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी समटाइम्स बहुत बुरी एक्नी होना शुरू हो जाती है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाती है स्किन आपने पाँच या छ प्रॉब्लम्स ख़ुद से क्रिएट uh, कर लिए तो क्या आप उन छः प्रॉब्लम्स के लिए पैसे और टाइम इन्वेस्ट करेंगे ये कोई इतनी अकलमंदी वाली बात तो है ही नहीं है प्लस इन सब के ऊपर इन्वेस्ट करके आप अगर ठीक होते भी हैं या हम आपको ठीक कर भी देते हैं तो अल्लाह की बनाई हुई जो स्किन है वो हम आपको वापस नहीं दे सकते वो आप वापस ले ही नहीं सकते उसको आपने फॉर सम्ह ख़राब कर लिया इसके अलावा ये तो एक अलहदा सी चीज़ हो गई कि ऐसी क्रीम्स जो कि सब स्टैंडर्ड क्रीम्स हैं वाइटनिंग के लिए और फ्रीली अवेलेबल हैं और आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वजह से पिगमेंटेशन जो कि सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से हम आज बात कर रहे हैं वो आ जाती है जिसको आप छाइयाँ कहते हैं अब हम आ जाते हैं कि इंटरनली इसकी क्या कॉजेज़ होते हैं इंटरनली अगर आपकी जो मेन मैक्रोन्यूट्रियट्स होते हैं बॉडी के आप उसमें डेफिशिएंट हैं जैसे अगर आपका हीमोग्लोबिन या आयरन कम है ब्लड में उसके अलावा जो है वो आपका विटामिन बी के लेवल्स कम हैं विटामिन डी के लेवल्स कम हैं आपको थायराइड का कोई इशू है या फिर आपके जो हैं वो अनसस्टेंड जो है वो शुगर लेवल्स हैं बॉडी में ठीक है उससे भी जो है वो आपको इंटरनली पिगमेंटेशन जो है वो इन ये सब चीज़ें पिगमेंटेशन को सपोर्ट करेंगी इसके अलावा लिवर के कुछ इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आना शुरू हो जा हो सकती है फेस के ऊपर इवन बॉडी पे भी कहीं पे आपको मिल सकती है फिर हम आ जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं मतलब हर महीने द, या महीने में दो दफ़ा जाके स्किन को पॉलिश कराना जिसके अंदर जो है वो बहुत हार्श किस्म के जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं वो डिलीवे होते हैं अच्छा वो आप जब करवाएंगे तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी जो बर्न स्किन होगी वो डार्कर टोन में जाना शुरू हो जाएगी और जो बाकी स्किन है वो आपको कंपेरेटिवली लाइट ही रह जाएगी इससे बहुत ज़्यादा ख़राबी होती है फिर जितने कन्वेंशनल मैथड्स हैं जिनसे बालों को उतारा जाता है इसमें वैक्सिंग आती है इसमें थ्रेडिंग आती है इसके अलावा जो है वो आप ट्वीजिंग करते हैं इन सब के सब मैथड्स से भी जो है वो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो सकती है फिर हम आ जाते हैं कि इसके अलावा जो है वो एक्सटर्नल कॉजेज़ होते हैं एक्सटर्नल काज में सबसे बड़ा कॉज जो है वो सन है सेकेंड नंबर पे भी सनलाइट है थर्ड नंबर पे भी सनलाइट है इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं उसमें सबसे टॉप पे जो कॉज आएगी दैट इज़ सनलाइट। सन प्रोटेक्शन को ना लगाना या ना अपने चेहरे के ऊपर जो है उसको सन ब्लॉक को ना वेयर करना ये बहुत ही ज़्यादा या बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डिफरेंट तरह के पिगमेंटेशन में भी और उसके अलावा जो है वो फ्रैकलिंग के अंदर भी फ्रैकलिंग क्या होती है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब हम आ जाते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाता है तो हमने करना क्या है सबसे पहला स्टेप जितनी चीज़ें जो कि मैंने आपको कॉजिंग पॉजिटिव एजेंट्स बताए हैं या कोजिटिव स्टिमूलाएं बताए हैं या जितनी काज बताई हैं जिसमें सलोन पे जाके बार बार एक ही चीज़ जैसे ब्लीचिंग है उसके अलावा स्किन पॉलिशिंग है अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं जिससे आप बालों को रिमूव करा रहे होते हैं वो सब कुछ जो है वो आप बंद कर दें फिर आ जाता है कि घर के अंदर भी जो ब्लीच लगाई जाती है उसको भी प्लीज़ कम करें बहुत फ्रीक्वेंट आप लोग कर रहे होते हैं दस दस दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद कोई फंक्शन आ गया तो आप जो है वो उसको महीने में तीन दफ़ा भी यूज़ कर लेते हैं विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली फिर हम आ जाते हैं कि आपने सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन डेफिनेटली रखनी है और सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन एक दफ़ा नहीं लगाई जाती है और इतना ना सोचें कि मैं घर के अंदर हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगी किचन में जाने लगूंगी तो लगा लूंगी फिर मैं घर से बाहर जाने लगूंगी तो लगा लूंगी ऐसे नहीं होता इतना सोच के आप मूव नहीं करते हैं घर के अंदर भी और बाहर भी आप घर के अंदर भी हों तो आपको पता चल जाता है कि सुबह हो गई है और घर के अंदर भी अगर सारी लाइट्स ऑफ हों तो दिन के वक्त इतनी सनलाइट कमरे में या घर में आ रही होती है कि आपको पता होता है कि अगर आप लाइट ना भी जलाएं तो गुज़ारा हो सकता है इसलिए यह भूल जाइए कि आप घर के अंदर हैं तो आपको सन ब्लॉक की या सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है कुछ लाइट ऐसी होती है सनलाइट की रेज जो बाहर रुक जाती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो विंडो को क्रॉस करके अंदर आएंगी इसलिए आपने उससे भी बचा के रखना है इन सब चीज़ों को आपने बंद कर देना है और सबसे ज़रूरी चीज़ वो जो सब स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं उनको भी आपने बंद कर देना है सबसे पहले जो ट्रीटमेंट uh, की बारी आती है तो उसमें हम आपके टेस्ट करवाते हैं जो ब्लड टेस्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया था जो बॉडी में अगर ये चीज़ें कम होती हैं या इनका इम्बेलेंस होता है तो उसकी वजह से हो सकती है ये वाली प्रॉब्लम वो हमने चेक कर लिया इसके साथ साथ बच्चियों में या फिर लेडीज में जो है वो हार्मोनल इंबैलेंस भी कंट्रीब्यूट करता है प्रेगनेंसीज जो होती हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं तो जो हार्मोनल इंबैलेंस है कुछ केसेस में हमें वो भी देखना पड़ता है अदर देन दो टेस्ट जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ब्लड के वो भी देखना चाहिए फिर हम आ जाते हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो हमने एप्लीकेशन देना स्टार्ट करने होते हैं टेस्ट भी हमने करवा लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो आपने घर में यूज करनी होती हैं जिससे आपकी अगर तो कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड हो क्लिनिक पे फॉर द पिगमेंटेशन तो उससे पहले जो स्किन की प्रेपरेशन है वो भी आपको जो घर में लगाने के लिए चीज़ें दी जाती हैं उसी के थ्रू की जाती है और उसके साथ साथ जो है वो आपको अगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या आपका हार्मोनल इंबैलेंस है या बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी बॉडी में कम है तो वो सप्लीमेंटेशन हम आपको घर में यूज़ करने के लिए देते हैं फिर बारी आ जाती है कि ये तो घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं फिर हमने क्लिनिक में जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं इसके लिए वो क्या क्या होते हैं इसमें केमिकल पीलिंग अलॉन्ग विद माइक्रोडर्माब्रेजन वो भी की जाती है प्लस डर्मा रोलर जो है वो भी किया जाता है उसके अलावा डर्मा पेन जो है उसको भी यूज़ किया जाता है कुछ केसेस में जो है वो हम लेजर्स को भी यूज करते हैं बट इट्स नॉट समथिंग जो सबके लिए एक ही जैसा किया जा सकता है क्योंकि सबकी जो कॉजेस हैं पिगमेंटेशन की वो भी फर्क होंगी और जो स्किन का डैमेज हुआ हुआ है वो भी डिफरेंट होगा तो हमारा इसको ठीक करने का तरीका जो है वो भी डेफिनेटली फर्क ही होगा वो केस टू केस या इंडिविजुअल फेस के ऊपर या पिगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है तो इसमें एक ट्राई एड की जरूरत होती है जिसमें घर में लगाना और खाना उसके अलावा क्लिनिक में प्रोसीजर करवाना और उसके साथ साथ जो है अगर आपको किसी सप्लीमेंटेशन या किसी भी चीज की जरूरत है वो भी हमें करना पड़ता है पिगमेंटेशन काफी नटोरियस प्रॉब्लम होता है इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है इसलिए आ, बट होने में इसको कोई टाइम नहीं लगता इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आपने किन किन चीज़ों को एवॉइड करना है इनको एवॉड करके अगर आपको ऑलरेडी हो चुकी हुई है तो वो एक जगह रुक तो जाएगी ना कम से कम अगर बेहतर नहीं भी हो रही है तो और बेहतर करने के लिए फिर आपको मैंने बता दिया है कि इट्स ए ट्राई एंगल जिसमें आपने तीनों चीज़ें खाना लगाना और क्लिनिक में प्रोसीजर करवाना यूजुअली डीप पिगमेंटेशन में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है होपफुली uh, आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ या बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू जिसको आप लोग फ्रैकल्स कहते हैं बेसिकली वो मिलाजमा या पिगमेंटेशन होती है वो जो है उसके बारे में आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके अपने आप को और अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं